उन्हों असल वेच समझ नहीं आई कि इंडिया स्टेट दी की ताकत है ते वो अपने ट्रैप च किवें लैंदी आ। वो समझदा मैं जो कर रहा ये पंथ वास्ते कर रहा, पर जिहड़ी स्टेट सी वो एक ऐसा माहौल सिरज रही सी कि इहनू टारगेट बना के मुड़ के सारे पंथ नू टारगेट। भी इस चीज़ की कॉन्टीन्यूएशन ही है, सगों अपने सिंघां नौजवानों समझना चाहिए आ कि देखो जो फड़ना हो सानू तो फड़दे ही रहिंदे आ, तड़के ही फड़ लैंदे आ, सारा तलाशी लै लैंदे आ, कुछ नहीं छड़दे, कितें खबर नहीं लगन देंदे। जिहड़ा साडे लई कोई एक्टिव हुंदा उहनू वी अंदर ठोक किन्ने किन्ने दो दो तीन तीन साल वाले अंदर कर देंदे आ, UAPA ला के जो फड़ना होंगे तो इदा फड़ते हैं। उन्होंने हूँ समझ नहीं लगी नौजवानों, उन्होंने फड़ना है ही नहीं सी, उन्होंने तो इस तरीके ना एक भजाना ही सगा इन्हों। उस वक्त नहीं नहीं इस तरह की गल नहीं कह सकते उत्थे जाने कि अपने नहीं, मैं अपने बारे कह रहा इदा ही कर लिया। हाँ वो जाने की देखो कि फड़िया जा सकता, उन्होंने सिचुएशन इदा की बनाई सी कि इन एक्सपीरियंस तो बिना नौजवान भजन गए। उस तरह ही उन्होंने उन्होंने चाहिए तो यह कि वह कड़ा कोई अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़ रहा है, उन्होंने उत्थे जिहड़ी गल आ उत्थे जाके उन्होंने उस वेले रेस्ट देनी चाहिए सी। कभी भी फड़ सकते जी, जो मर्जी फड़ सकते। हाँ ये पिछे भी स्टे ये भी स्टेट की एक नीति आ, ये समझनी चाहिए आ नौजवानों भी होर भी कि उन्होंने इस तरीके ना होन दिता कि ज़्यादा टाइम वो गल नू बिल्ड किया जाए, तो उस पता नहीं होर की पंजाब ते सिखां लई कोई होर कोई खतरा है की कढ़न गे। बिल्कुल जी, स्टेट की नीति तो सबॉर्डिनेट जिहड़ी सरकार आ उन्हें उस नीति नू लागू करना ही करना। पहला भगवंत मान नू समन किया गया गृह मंत्री वालों, उत्थे गया उत्थे वह पारामिलिट्री फोर्सेज दीआं कंपनियां देतीआं, फिर जिन्ना चिर कहा कि नहीं अरैसट करना उन्ना चिर नहीं अरैसट किया। जे करना हुंदा अरैसट तो उहदे घरों किया जा सकता है, करना हुंदा अरैसट तो FIR दर्ज हो गई है जनाले ते उदों अगले दिन कर लैंदे। जे उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दा उन्होंने भई भैर रख्या भी भई जो गल सच भी आ कि जे उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप ना हुंदा तो उत्थे वड्डी घटना वापर सकदी सी जिहदे तों पंजाब सरकार बचना चाहुंदी सी और बची भी। पर उस तो बाद इन्हें जो FIR उस दिन दर्ज हो गई, DGP ने स्टेटमेंट देती भाई एक्शन लाँगे, पर उस तो बाद कोई एक्शन तो नहीं लिया। ये एक मिथ के सिरजिया गया सारा माहौल कि यह तरीके ना जे उत्थे भी उन्होंने अरैसट करना ही जो गए तो अरैसट कर सकते ही, पर उदों तक सरकार नू पुलिस नू शायद हो सकता कि आर्डर ही ना होया हो तो अरैसट करना। तो जो उन्होंने पता लगा भी मैं अरैसट करना वा फिर वो निकल गया। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ PO ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੈਪ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਏ ਉਹ ਟ੍ਰੈਪ ਆ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰ ਚਲਾਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਾ
उन्हें कोई अजय नीति घड़ी ही वो तो एक प्रचार भी चला रहा जो दो मुद्दे वो अमृत छकाना तो नशे के विरुद्ध उन्होंने खालिस्तानी बना के तो पेश किया गया वो जरा माहौल सजा गया अजनाले वाली घटना एक ट्रैप से जिदे फसया और वो बजर गलती अही पहला कह दिती आ उहदे उत्ते ज्ञानी हरप्रीत सिंह दी भी एक बहुत अवेसलापन है कमेटी बनाई कमेटी बनाउण तों बाद उहदी रिपोर्ट लई पर उह रिपोर्ट दे उत्ते कोई अगे अमल नहीं कीता जे उह अमल कर दिंदा ते हो सकदा आ जिहड़ा उस तों बाद 18 वाला जिहड़ा 18 तों शुरू होया इह शुरू ना हुंदा हुण जिहड़ा इह कहणा कि उह पुलिस दी हिरासत च आ उह ऐउं आ जूआं उह गल्लां जे सच होण तो पुलिस कभी कित भजी फिरे कभी कित यह सारिया एक अफवाह फैलाईया जाने तो उन्होंने अफवाह के कोई वह हक च आ जाता कोई विरोध के आ जाता वेखो भजन की तो यह वो ही दस सकता कि मैं की लोड़ ही तो की नहीं लोड़ देखो अही तो जो गरीला वारफेयर लड़ी है अही तो अंडरग्राउंड जिंदगी जी आही तो यह भी कहने कि जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उन्होंने कहा पेश हो जा अकाल तख्त साहब जे वो जथेदार रखा तो वो वो हाण की गल नहीं है पर यह अमृतपाल ही क्लीयर कर सकता कि वो कि हालतों के भजा क्यों भजा तो वो उन्हें वो अगला प्रोग्राम की आ पर जड़िया गल्द असी सही नहीं समझते कि जिमें सरबत खालसा करो विसाखी वाली गल वो अं स्पष्ट कर वेखो वोट आसरा तो कोई भी किसी का लै सकता ये तो माड़ी गल नहीं जे अंडरग्राउंड बंदा रह रहा तो उन्हें कितने ना कि रहना ही आ पर यह गल गलत आ कि जिन्ना चर उन्होंने पीओ नहीं डिकलेयर किया ही जिन्ना चर वह इश्तहार नहीं दिता उन्ना चेर जिन्ना बंदिया को रहा भावें बीबी आ कोई आना उ केस दर्ज करना वह गैर कानूनी उस तो बाद जो हम इश्तहार देता पीओ भी करार देंगे उस तो बाद अपनी जी 212 216 भी ला सकते अनलाफुल एक्टिविटी भी ला सकते हैं सरकार ने तो यहोजे केस बनाने ही बनाने देखो सरबत खालसा सारे जिन्हें फैसले पंथ दे रहे वो सरबत खालसा द्वारा ही सही तरीके दे ना होने ने वो एक एक सिद्धांत हैगा वा उहदी मनमर्जी नाल वरतू नहीं कोई कर सकता नहीं लोड़ तो पहला भी पई लोड़ महसूस होती जो एक कौम दे विच एक सुरता ही नहीं अजे वो जिहड़ा सरबत खालसे का सिद्धांत आ जिहड़ी मान मर्यादा वा उहनू असीं अजे लागू करन दे समर्थ ही नहीं होए इस करके किसी व्यक्ति की कॉल के उत्ते किसी कलीकारी जथेबंदी की कॉल उत्ते जिहड़ा सरप्रवान जथेदार नहीं वो वालों बुलाया गया सरबत खालसा नहीं हो सकता।